मुसाफिर जाएगा कहाँ। ए मालिक तेरे बंदे हम, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये तीनों गाने उस नेता को पसंद हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो पिछले तीन टर्म से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। खाने में उनको लौकी, साग और दूसरी हरी सब्जियां बहुत पसंद है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको नाम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को भारतीय राजनीति के उन कुछ नेताओं में माना जाता है जो कर्कश नहीं बोलते हैं, जिनके बोलने में बड़पोलापन नहीं होता है, जो आराम और इत्मीनान के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन जहां ज़रूरत पड़े राजनीतिक दाव पेच खूब चलते हैं, आगे बढ़ करके चलते हैं। रमन सिंह की राजनीतिक दाव पेच की कहानी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं, 1975 में आयुर्वेदिक मेडिकल में बीए एमएस करने वाले डॉक्टर रमन सिंह की राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। डॉक्टर रमन सिंह के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है वर्ष 1976-77 के आसपास। रमन सिंह 1983-84 में शीतला बोर्ड से कवर्धा नगरपालिका के पार्षद निर्वाचित हुए और यहीं से उनकी सार्वजनिक जीवन शुरू होती है। 1990-92 और 1993-98 तक वे तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक रहे। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में वो राजनांदगांव क्षेत्र से विजय हुए। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा को चुनाव में पटखनी दी थी। रमन सिंह की प्रतिभा और लोकप्रियता को देखते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया। बात करते हैं साल 2000 की। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। बीजेपी राज्य में एक ऐसा चेहरा चाह रही थी, एक ऐसा व्यक्ति चाह रही थी जो संगठन को बना सके, संभाल सके और साथ ही राज्य की जनता का विश्वास भी जीत सके। रमन सिंह पर सबकी नजर गई। रमन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद थे, अटल बिहारी वाजपेयी रमन सिंह से प्रभावित थे, साथ ही रमन सिंह संघ के भी करीबी थे और इसी वजह से रमन सिंह दिल्ली से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे। राज्य में पहला चुनाव 2003 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। सिर्फ जीत ही नहीं, बम्पर जीत आप कह सकते हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में थी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलीप सिंह जुदेव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। एक तरीके से घोषित था कि दिलीप सिंह जुदेव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चुनाव नतीजों से एन पहले दिलीप सिंह जुदेव एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए और ये स्टिंग ऑपरेशन तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जाने लगा, जिस वजह से रमन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2008 में रमन सिंह राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2013 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2013 के आसपास रमन सिंह की चर्चा अचानक से राष्ट्रीय मीडिया में होने लगी थी। वजह क्या था? वजह यह कि 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और भारतीय जनता पार्टी में इस बात के लिए माथापच्ची हो रही थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, किसके चेहरे पे पार्टी यह चुनाव लड़े। इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो था गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। चर्चा यह भी हो रही थी कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे सहमति नहीं बनती है तो ऐसे में दो मुख्यमंत्री हैं पार्टी के पास जिनके नाम पे सहमति आसानी से बन सकती है, क्योंकि दोनों लो प्रोफाइल हैं और दोनों के नाम के साथ कोई विवाद नहीं है। पहला नाम था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और दूसरा नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का। लेकिन मजेदार तब हो गया जब इस बारे में रमन सिंह से पूछा गया और उन्होंने कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मतलब रमन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, लेकिन आखिर में जो तय हुआ वो आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पे पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत करके केंद्र में आए। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है और नक्सलियों से निपटने के लिए एक विवादित कार्यक्रम सलवा जुड़ूम
बनाया गया था, जिसे रमन सिंह सरकार ने सहमति दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानवाधिकार के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से रमन सिंह की किरकिरी हुई। अगर रमन सिंह से जुड़े विवादों की बात करें तो एक विवाद उनके घर को लेकर की बना, जब उन्होंने बड़ा भारी भरकम घर अपने लिए, सरकारी आवास अपने लिए बनवाया था। दो और विवाद है जिनकी चर्चा बहुत गंभीरता से होती है। सबसे पहला विवाद है पुष्प स्टील का विवाद। रमन सिंह के लिए काफी मुसीबत का कारण बन गया था। रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के जरा बाद साल 2004 में दिल्ली में महज 1 लाख रुपए की पूंजी डालकर एक कंपनी बनी। जन्म के दिन ही उस कंपनी ने रायपुर में एक बड़े कारखाने को चलाने के लिए कोयला खदान की मांग की अर्जी डाली। जल्द ही बिना हील हुज्जत के राज्य सरकार ने उस कंपनी को कोयले की बेशकीमती खदान दिलाने की सिफारिश कर डाली। साल 2010 में अदालत ने तमाम लाइसेंसों को रद्द करते हुए जिस तरह इस कंपनी को लाइसेंस दिए गए उस पर हैरानी जताई थी, और तब विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये कंपनी बीजेपी के नेताओं की थी। एक ऐसा ही विवाद और है, बालको के जमीन आवंटन का मामला। ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने जब बालको का साथ दिया, उनके पक्ष में फैसला सुनाया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की नहीं सोची, और इस वजह से ये आरोप लगा कि इस जमीन आवंटन की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को, सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ। लेकिन इतनी आफतों के बाद भी रमन सिंह का कद न तो राज्य में बतौर मुख्यमंत्री कम हुआ और ना ही बीजेपी में बतौर नेता कम हुआ। वो लगातार एक जगह पे बने हुए हैं और राजनीति की समझ रखने वाले, छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वाले, रमन सिंह के व्यक्तित्व को जानने वाले ये कहते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा कारण था रमन सिंह का सहमिल्लू होना। वो सबसे मिलते जुलते हैं, वो सौम्य हैं, वो मीठा बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, कर्कश नहीं बोलते और किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते। और इसकी एक दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि राज्य में एक विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसके नेता आपस में इतने लड़ते रहे, आपसी सिरफुटवल इतनी रही, गुटबाजी इतनी रही कि किसी ने रमन सिंह पर ध्यान ही नहीं दिया और रमन सिंह लगातार आगे बढ़ते गए।